Hey my loves, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all are safe and doing great. So guys, आज की वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाली है. आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मेकअप हॉल वीडियो फ्रॉम Amazon. सो आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सब ना न्यू परचेस है मेरी, और जैसे कि मॉइस्चराइजर, आई शैडो, सॉरी आई शैडो नहीं, ब्लशर, हाईलाइटर पैलेट एंड कॉन्टूर, आईब्रोज पैलेट, प्राइमर, फाउंडेशन, काजल, और उसको ही मैं यूज़ करके इस मेकअप लुक को क्रिएट किया. बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल सटल है, आई लव दिस मेकअप लुक, एंड बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुई है. आप देख सकते हो, अपना आसानी से क्रिएट कर सकते हो. अगर आप टीनेजर्स हो, बिगिनर्स हो, मेकअप कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो भी आप इस मेकअप लुक को आसानी से क्रिएट कर सकते हो. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. कोई भी बर्थडे पार्टी ओकेशन पे आप इस तरह से मेकअप लुक को क्रिएट करके जा सकते हो. एंड गाइस, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि न्यू परचेस नहीं है, तो मैं ना इस फुल मेकअप को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी जो मेरे पास पहले से ही है. ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, एंड ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो ये गाइस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो. सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो गाइस, मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया विथ फेस वॉश, एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया टोनर एंड सीरम. तो ये मेरी न्यू परचेस नहीं है, तो वीडियो में इंक्लूड नहीं किया. तो नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो मॉइस्चराइजिंग के लिए मेरे पास एक न्यू प्रोडक्ट है फ्रॉम अमेजोन से. सो दिस इज पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन, हाइड्रोनिक एसिड प्लस विटामिन ई. सो दिस इज अ पैकेजिंग लाइट ब्लू कलर में ये, एंड बहुत ही अच्छी अच्छी रिव्यूज थी इसके ऊपर, एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको सजेस्ट किया, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए. तो फास्ट मैं इसकी ना पैकेजिंग ओपन कर लेती हूँ, एंड गाइस सब देख सकते हो बहुत ही अच्छी सी इसकी पैकेजिंग है. तो इसको ओपन कर लेती हूँ मैं फर्स्ट. सो इसको मैं थोड़ा सा ही ओपन किया, अभी मैं ना पूरा ओपन नहीं करने वाली हूँ. सो इट्स लाइक अ जेल बेस मॉइस्चराइजिंग क्रीम. तो इसको मैं पूरी फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस. ओके सो गाइज, दिस इज़ अ सुपर लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम. मुझे ना बिल्कुल भी फील नहीं हो रही कि मैं कुछ यूज़ किया, अप्लाई किया फेस के ऊपर, एंड आई थिंक ना इसको जिसकी ऑयली स्किन है उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है. तो अभी ना मेरी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट हो चुकी है, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देख सकते हो. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. आई लव दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो मॉइस्चराइजर इज़ डन. तो प्राइमर के लिए मैं कोई भी न्यू परचेस नहीं किया, तो मेरे पास जो प्राइमर है वही मैं अप्लाई करके वापस आती हूँ. ओके सो प्राइमर इज़ डन. सो फाउंडेशन के लिए मेरे पास एक न्यू परचेस है. सो दिस इज़ बायोटिक नेचुरल मेकअप मैजिक्योर ऑल डे फाउंडेशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स. सो दिस इज आउट ऑफ पैकेजिंग, एंड दिस इज मेन प्रोडक्ट. काफ़ी सुंदर सा मैटी रोजी पिंकिश कलर है इसकी. एंड गाइस, और एक बात, इसमें ना आपको SPF 15 भी मिलेगी, साथ साथ PA++ UVA UVB प्रोटेक्शन. अगर आप डे टाइम में मेकअप लुक को क्रिएट करते हो एंड ई वाली फाउंडेशन यूज़ करते हो ना, तो आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, विच इज़ ग्रेट. तो इसको यूज़ करके देखते हैं कैसी है, एंड जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ ना, सबकी लिंक मिल जाएगी. सो चेकआउट कर लेना एक बार. सो पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. एंड गाइस, जो शेड्स है इसमें ना, तो मैं मेंशन कर दूंगी, आप एक बार चेकआउट कर लेना. इसमें ना आई थिंक दो शेड अवेलेबल है. सो इसमें आपको विथ मल्टी विटामिन सी मिल जाएगी, एंड सबसे मिनरल्स भी. तो आई थिंक ये लिक्विड फाउंडेशन है, तो ट्राई आउट करते हैं एक बार. इसमें ना एक फ्रेग्रेंस भी है जो कि काफ़ी अच्छी है. फ्रेग्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो डॉट डॉट करके फर्स्ट मैं पूरी फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी. तो इसको मैं ब्लेंड करने वाली हूँ. सो दिस इज मार्स ब्यूटी ब्लेंडर. सो गाइस, आई थिंक ये ना काफ़ी जल्दी ड्राई हो जा रही है मेरी स्किन के ऊपर. आई डोंट नो वाई, तो लिक्विड फाउंडेशन है फिर भी ड्राई क्यों हो रही है. तो ब्यूटी ब्लेंडर चेंज करके मैं ब्रशेस को ब्लेंड करने वाली हूँ. कि सो कवरेज इज नाइस, एंड डेली बेसिस पे लाइट मेकअप क्रिएट करने के लिए, गो टू मेकअप के लिए ना ये वाली फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. बट थोड़ा सा ना ये ना आई थिंक ड्राई हो जाती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लेके ना पार्ट ऑफ पार्ट आपको ब्लेंड करना है आई थिंक. और फर्स्ट टाइम मैं आज इसको यूज़ किया, तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब यूज़ करूँगी ना, और भी ज़्यादा अच्छे से मैं क्लियर हो जाऊँगी.
ओके सो कंसलर के लिए मेरे पास कोई भी न्यू परचेस नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रश में लेके ना कंसलर की तरह यूज करूंगी। कोई आई लिड पे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। बहुत ही लिटिल अमाउंट में मैंने लिया है। और मेरी जो हाईएस्ट पॉइंट है जैसे कि फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, चीक और क्यूपिड्स पे। देखो कम मेकअप प्रोडक्ट्स को भी यूज करके आप बहुत ही सुंदर से मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट मेरे पास कॉम्पैक्ट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, न्यू परचेस मैंने नहीं किया। सो अगेन आई एम यूजिंग दिस पर्पल कॉम्पैक्ट। ये काफ़ी पहले मैंने हॉल वीडियो में शेयर किया था, तो मैं इसको ना सेट कर लूँगी कंसीलर एंड फाउंडेशन को। ओके सो फेस को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अभी मैं करने वाली हूँ आईब्रोज को फिलिंग। ओके सो गाइस मैं आईब्रोज ढूंढने के लिए गया और मुझे मिला एक प्राइमर। मतलब मेरे दिमाग से निकल चुकी है कि मैंने प्राइमर भी परचेस किया था, बट अभी तो पूरी बेस हो चुकी है, मैं प्राइमर यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ना इस बॉक्स में सब कुछ है, तो दूर से ना मुझे दिखाई भी नहीं दिया कि छोटू सा प्राइमर ना अंदर ही थी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्राइमर को ओपन करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये अमेज़न हॉल वीडियोज है, तो आई कांट स्किप दिस। तो मैं ज़रूर अप्लाई करके नेक्स्ट वीडियो में ना बताऊँगी कोई एक मेकअप जब क्रिएट करूँगी। तो दिस इज आउट ऑफ पैकेजिंग, मैं इसको ओपन कर लिया। आई थिंक दिस इज अ जेल बेस्ड प्राइमर। ओके यस दिस इज अ जेल बेस्ड प्राइमर, देख सकते हो। एंड ओके इनसाइड की एक प्राइमर मैं यूज करती हूँ, वैसा ही है इसकी टेक्सचर, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ही मैटिफाई कर दिया। फ्रेग्रेंस उतना भी ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है इसकी। आई थिंक ये ओपन पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज कर देगी। सो नेक्स्ट कोई मेकअप वीडियोस में मैं ज़रूर इसकी रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज NY बे ब्लर्निंग प्राइमर मिनिमाइजर पोर्स एंड ब्लेंड लाइक अ ड्रीम हाइड्रेटिंग इन नेचर। सो अभी मैं कर लेती हूँ आईब्रोज को फिलिंग। तो आईब्रोज को फिल करने के लिए मेरे पास है ये आईब्रोज किट। दिस इज वेट एंड वाइट अल्टीमेट ब्राउ किट। बहुत ही छोटू सा क्यूट पैकेजिंग है इसकी एंड इसमें आपको ना दो शेड मिल जाएगी। दिस इज ब्राउन लाइट ब्राउन एंड आई थिंक दिस इज ग्रे काइंड ऑफ ब्लैक शेड। और ये पर ना आपको आईब्रोज को सेट करने के लिए ना एक जेल भी मिल जाएगी विथ एक प्लगर, छोटू सा प्लगर आपको मिल जाएगी। एंड दिस इज अ स्पूली और एक साइड आपको ना आईब्रोज को फिल करने के लिए एक एंगुलर ब्रश भी मिल जाएगी। सो मैंने कूम कर लिया। अभी ये दोनों शेड को ही मैं एक साथ मिक्स करने वाली हूँ। तो अंडर बजट में ये आईब्रोज काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसके साथ जो जेल है ना उसको थोड़ा सा मैं यूज करूंगी। ऐसे करने से ना आपकी आईब्रोज भी सेट हो जाएगी, सबसे आप जितनी भी एक्सेस है वो रिमूव हो जाएगी एंड आपकी जो आईब्रोज है ना नेचुरल लुक प्रोवाइड करेगी। तो अंडर बजट में ये वाली आईब्रोज किट आप जरूर ट्राई करना। आपको दो शेड मिल जाएगी साथ साथ एक जेल जो आप आईब्रोज को सेट कर सकते हो, एक स्पूली ब्रश विथ दिस छोटू सा प्लगर विच इज ग्रेट, आपको लेना ही चाहिए। वाली पैलेट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड पिगमेंटेशन भी आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा डार्क पिगमेंटेशन है। सो नेक्स्ट मैं ये वाली आईब्रोज को भी कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ओके सो आईब्रोज इज डन, बहुत ही अमेजिंग सा पैलेट है। तो ना दो वीडियोस में इसको यूज़ किया था क्योंकि कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मैं पहले परचेज किया था उसकी वजह से और कुछ बाद में। ओके सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कॉन्टूर पैलेट। सो दिस इज वेट एंड वाइट कॉन्टूर पैलेट। इसमें आपको दो शेड मिल जाएगी, दिस इज अ डार्क आपको कॉन्ट्रोल करने के लिए एंड दिस इज अ लाइट शेड आपको हाईलाइट जो एरिया होती है ना वहाँ पर हाईलाइट करने के लिए। तो मेरी जो कॉन्ट्रोल एरिया है जैसे कि चिन जॉ लाइन नोज फोरहेड्स को मैं अच्छे से कॉन्ट्रोल कर लूँगी। ओके सो कॉन्ट्रोल इज डन एंड गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वाली कॉन्ट्रोलिंग पैलेट। जब भी आप इसको यूज़ करोगे ना बिल्कुल भी ना ऐसे नहीं लगेगी कि आप कॉन्ट्रोल किया, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगती है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो अंडर बजट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली कॉन्ट्रोलिंग पैलेट है ये। ओके सो नेक्स्ट मेरे पास है दिस स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लश पैलेट और इसमें जो मेरी शेड है 01। दिस इज आउट ऑफ पैकेजिंग और दिस इज अ मेन प्रोडक्ट एंड गाइस इसको मैं ना आई थिंक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, आपने देखा है शायद कोई भी मेकअप वीडियोज में।
सो हाउ इट्स लुक, बहुत ही सुंदर सा मैट शेड है आपको ना इसमें ना चार ऐसे मैट शेड मिल जाएगी और शिमारी शेड आपको आई थिंक ये ना हाईलाइट करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे हाईलाइटर की तरह काम करेगी। सो गाइस आई शेडो पैलेट के लिए कोई भी अलग से प्रोडक्ट मैंने परचेस नहीं किया, सो इसको यूज करके मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, ब्लश एंड हाईलाइटर यूज करूंगी। सो फास्ट में ना आई मेकअप करूंगी, सो आई थिंक फास्ट मैं यूज करने वाली हूँ ये वाली शेड। तो ये वाली शेड को लेके फास्ट ना मैं क्रीज लाइन पे लाइन ड्रॉ करूंगी। मैट शेड है बट थोड़ा सा ना इसमें ना शिमारी टिंट है एंड फॉल आउट भी होती है थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज पिगमेंटेशन अच्छी है। अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एक फ्लफी ब्रश लेके। सो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगी दोनों आईज में। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस रेड शेड राइट हियर। इसको लेके मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मेरी आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मिडिल वाली जो पोर्शन है ना उसको मैं गैप छोड़ूंगी इसमें और एक शेड्स में अप्लाई करूंगी। जो फास्ट कलर मैंने यूज किया था उसको फिर से लेके ना क्रीज लाइन को एक बार ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे। रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए फिर से एक बार अप्लाई करूंगी। सेम रेड कलर को ना मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी ताकि जो आई मेकअप है ना वो बैलेंस रहे। ओके अभी ना जो मिडिल वाली पोर्शन है उसमें मैं ये वाली जो शेड है ना शिमारी शेड, ये मैट शिमारी शेड है, इसको फिंगर में लेके मैं प्रेस करने वाली हूँ। सो जो शिमारी शेड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है आप देख सकते हो। ओके सो आई मेकअप इज डन, बहुत ही ईजी है, कोई भी ना इस आई मेकअप को कर सकती है। सो नेक्स्ट मैं ये वाली आईज को कम्प्लीट करके वापस आती हूँ। ओके सो ये वाली आईज भी कम्प्लीट है, आई मेकअप अभी भी कम्प्लीट नहीं हुई है। सो मैं थोड़ा सा बाद में करूँगी, अभी मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। सो ब्लश के लिए आई एम यूजिंग दिस ये वाली जो शेड आप देख रहे हो ना रोजी पिंकी शेड, इसको लेके मेरी एप्पल अपने चिक्स पे अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा नोज और थोड़ा सा चिन पे। सो गाइस ये वाली ब्लशर पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि एक ब्लशर पैलेट में अगर ऐसे कोई भी शेड्स है ना तो आप आई मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो, हाईलाइट भी यूज कर सकते हो एंड ब्लश को भी। तो हाईलाइट के लिए आई एम यूजिंग दिस शैम्पिंग और दिस शेड, दोनों को एक साथ मिक्स करके ना मेरी हाईएस्ट पॉइंट पे यूज करूंगी। तो ये थोड़ा सा ना फॉल आउट होती है, अदरवाइज काफी अच्छी वाली पैलेट है ये, बहुत ही नेचुरल सा सटल वाली हाइलाइटर है ये आप देख सकते हो। ओके सो हाइलाइटर इज डन, नेक्स्ट अभी आते हैं आई मेकअप पे। सो लास्ट मैंने अमेजोन से परचेस किया है फेसेस कैनेडा की ये वाली मैग्नेट आईज का जल, तो इसमें लिखी हुई है ये 24 आवर्स स्टे करेगी, स्मज्ड एंड वाटर रेसिस्टेंट है, डीप ब्लैक फिनिश, फेक प्रूफ एंड विटामिन ई आपको मिलेगी। तो इसकी जो पैकेजिंग है मैं ओपन कर लेती हूँ फर्स्ट। सो इसकी पैकेजिंग कुछ ऑरेंज रेडिश कलर है और इसकी एक ना स्वाचेस मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जिट ब्लैक है इसकी शेड एंड इसकी जो टेक्सचर है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो इसको मैं ना लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। ओके सो गाइस मैंने अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लिया, आई थिंक इसकी प्राइस 100 के आसपास होगी, मैं मेंशन कर दूंगी। बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है ये वाली काजल, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा जेड ब्लैक है फिनिशिंग आप देख सकते हो। लोअर लाइन पे ना थोड़ा सा बोल्ड रखी क्योंकि ना मैं आज कोई भी लाइनर यूज नहीं करूंगी एंड साथ साथ फॉल्सेस भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। सो बहुत ही अच्छी वाली काजल है, आप जरूर ट्राई करके देखना। सो मस्कारा एंड लिपस्टिक के लिए मेरे पास कोई भी न्यू परचेस प्रोडक्ट नहीं है, सो मस्कारा बिना आई मेकअप बिल्कुल भी पूरा नहीं होती है। तो मस्कारा और लिपस्टिक अप्लाई करके फाइनल लुक के साथ मैं बता सकती हूँ। सो या गाइस दिस इज माय फाइनल लुक, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वाली मेकअप लुक क्योंकि आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। तो आज मैंने ना न्यूड शेड यूज़ किया, सो दिस इज़ बिलाबोस की लिप क्रियॉन इन दिस शेड 01, सबकी डिटेल्स लिंक आपको मिल जाएगी। एंड गाइस आई लव दिस मेकअप लुक, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी सच में। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनमें से अगर मैं बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड दिस काजल और ये वाली जो स्विस ब्यूटी की पैलेट में, ये मुझे ना थोड़ा सा ओके लगा, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट होती है एंड उतनी भी मतलब बुरा नहीं है ये वाली पैलेट। एंड नेक्स्ट मुझे पसंद आई ये वाली दो शेड,
आईब्रोज वेट एंड वाइल्ड की एंड दिस कॉन्टूर पैलेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये जो NYBA की प्राइमर है आज मैंने यूज़ नहीं किया, मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में ज़रूर इसकी रिव्यू शेयर करूँगी। और फाउंडेशन भी डे मेकअप डे लुक एंड गो टू मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। बट थोड़ा सा ये ड्राई हो जाती है, अदरवाइज ये वाली जो फाउंडेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फाउंडेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आई थिंक हो चुकी है सब कुछ, मैं दिखा चुकी हूँ इस हॉल वीडियो में। तो फॉल्सिस मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी जो लोअर लाइन की काजल है वो मैं थोड़ा सा बोल्ड यूज अप्लाई किया इसकी वजह से। तो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो साथ ही साथ ये वाली मेकअप लुक एंड हॉल वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करती है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल।